बेटा अखिलेश आए हैं और उनके साथ एक पैदावार है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग आगे आ जाइए ताकि जो छत्तीसगढ़ में स्थिति बनी हुई है उससे आप लोगों को अवगत करा सके। जो प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पर वो उन लोगों ने आंखों से देखी है, ये लोग मौके पे थे तो ये लोग आपको ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। बेटा अखिलेश मैं बड़ा प्रसन्न से आया हूँ इस प्रदर्शन में। अभी जो बहुत पुरानी स्थिति जो छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है और यहाँ पे हम लोग गाँव में काम कर रहे हैं तो हम अच्छी तरह से मालूम है वहाँ पर मंच पे जो लोग खड़े हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज शांत हो जाइए, जो मंच पे लोग हैं प्लीज शांत हो जाइए। अभी 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 बस एक 30% बाद आपका नंबर। ओके ओके तो प्लीज बोल दिया हम और अंदर आओ प्लीज टाइम 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 जो भी लोग काम कर रहे हैं और जिस टाइम पे जब भी चुनाव का वर्ष है वहाँ पे छत्तीसगढ़ में असेंबली का इलेक्शन होना है उसके चलते जो संगठन है जो संघी लोग है वो अपना वही चला रहे हैं और अल्पसंख्यकों को रिफंड कर रहे हैं। कांग्रेस बताए हुए पिछले अगस्त को गाँव में ग्राम सभा करके उन्होंने कानून पारित करा कि गांव में किसी भी मंत्रियों को भर्ती न किया जाए। मैं एडवोकेट अनस्तासिया गिल हूँ
फॉर्मल दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन मेंबर, प्रेजेंटली मैं सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हूँ। मैम आज आप लोग इतने भारी संख्या में आए हैं तमाम क्रिश्चियंस, क्या डिमांड से आपकी? यहाँ पर पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ प्रस्तुत है, यहाँ पूरी दिल्ली से अलग अलग चर्चेस के लोग इकट्ठे हुए हैं। तो आज यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ये है कि जो ईसाइयों को अलग अलग जगह में, खास तौर से अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ में जो हादसे हुए हैं, धर्म परिवर्तन को लेकर जो उनके ऊपर गलत केस लगाए जा रहे हैं, उनको जेल में बंद किया जा रहा है, उनके चर्चों को जाके जलाया जा रहा है, हम उसके खिलाफ या आवाज उठाने के लिए सारे एकजुट होकर ईसाई मत जो है, जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, वे सारे या इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपनी एकता को प्रदर्शित कर सके। और खास तौर से जहां जहां ईसाइयों के ऊपर कष्ट झेले जा रहे हैं, जहां जहां ईसाइयों को तंग किया जा रहा है और एंटी कन्वर्शन को लेकर उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हम उसको कंडम करने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। कहां कहां से लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं, कौन कौन से जिले से आए हैं? यहां पर पूरी दिल्ली के लोग हैं, एनसीआर के सारे लोग यहां इकट्ठे हुए हैं और यहां पर हमारी अलग अलग चर्चेस के लोग हैं और सारे ही दिल्ली के मैं कह सकती हूँ, यहाँ से गुड़गांव से लेकर फरीदाबाद से सारे चर्चेस यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अपने देश की प्रार्थना के लिए, ये सुबह 11:30 बजे से चालू हुआ है और हमने भारत की उन्नति विकास के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को बनाए रखने के लिए हमने प्रार्थना की है। और जो गलत तत्व इन चीजों को कर रहे हैं और भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को उजाड़ रहे हैं, हम उसके खिलाफ या आवाज तमाम बैनर में लिखा है मैडम कि जो है चर्चों को तोड़ना बंद करो। हाँ जी, बैनर पे हमने जो लिखा है चर्चों को तोड़ना बंद करिएगा। पादरियों को मैं आपको कुछ जगह की बात बता देती हूँ। यहाँ छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिएगा, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिएगा, यहाँ पर कम से कम आपके पास जो लास्ट ईयर का जो डेटा है, बस आप देख लीजिएगा कि कितने केसेस जो रजिस्टर्ड केसेस हैं वो पिछले 5 साल से बढ़ चुके हैं। तो इसलिए पादरियों के ऊपर उनके प्रार्थना करते हुए उनका चर्च जला दिया गया, उनको जब चर्च बंद करके गए प्रार्थना करके, दूसरे दिन जब वो आए हैं वहाँ चर्च जला हुआ मिला है। तो इस उसी का उसको हम कंडम करते हुए कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस राइट टू फ्रीडम, धर्म की स्वतंत्रता, जो धर्म निरपेक्ष देश हम कह रहे हैं, उसे हम मैंडेट मानते हैं और वो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। तो इसलिए किसी भी धर्म के ऊपर जब प्रहार हो रहा है, चाहे वो माइनॉरिटी धर्म है, तो हम उसे कंडम करते हैं और उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये जो घटना है वो ये मैं नहीं बता सकती हूँ क्यों होती है, पूरा हमारा भारतवर्ष जो है उसे इसके कारण ढूंढने पड़ेंगे कि ये क्यों हो रही है। क्योंकि मैं जानती, जो मेरा विश्वास है एक वकील होने के नाते, मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और धर्म समाज की धर्म बहन भी हूँ, तो हम इस भारत देश को एक गुलदस्ते के रूप में देखते हैं। भारत बहुत ही सुंदर देश है, विद इक्वालिटी फॉर ऑल, व्हेन वी हैव इक्वालिटी वी हैव आल्सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉर ऑल। तो जहां जहां जो इस मैंडेट को, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को तोड़ना चाह रहा है या मरोड़ना दे रहा है, तो मुझे लगता है वही सबसे बड़ा एक चुनौती है कि वही शायद इसके पीछे है। तो ये तत्व कौन है, कुछ गले चुने कि जब चुनाव आने वाले होते, पास होते, तभी ऐसी घटनाओं को ज्यादा अंजाम दिया जाता है। मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ दोस्तों कि यहाँ ये सिर्फ एक षड्यंत्र है लोगों का ध्यान बांटने का, लोगों का ध्यान आकर्षण किसी और जगह हो, लोगों के जो असली मुद्दे हैं वह शायद, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो अशिक्षा हो, चाहे वे विकास के मुद्दे हैं, चाहे महिला की रेप के मुद्दे हैं, ताकि ये मुद्दे छिप जाए और लोगों के असली जो रोजगार के, उनकी भूखमरी के, सुसाइड के, स्टूडेंट्स के जो मुद्दे हैं, SC ST के जो मुद्दे हैं, वे ना उजागर होके लोगों का ध्यान कहीं और भटक जाए, लोग अपने अंदर लड़ते रहे,
तभी मैं सोच रही हूँ कि ये सारे एक सिर्फ बाहरी दिखावा है, अंदर शायद साजिश कुछ और है। मैं इस चीज का पूरा उनका साथ देती हूँ, उनके साथ खड़ी हूँ। हाँ, हर एक जो देश में कोई भी धर्म का लोग है, किसी जाति के हैं, चाहे वो SC है, ST है, माइनॉरिटी है, कोई भी जो इस देश में जिसने जन्म लिया है, वो सबको उस विकास में भागीदारी हम सबकी बनती है। अगर हम उस विकास से अचूके हैं, अगर मेरा उस विकास में भागीदारी नहीं है, तो मैं लगती हूँ वो स्लोगन जो है वो शायद कहीं खड़ा नहीं कर रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि अगर मैं मेरी भागीदारी चाहिए तो मुझे भी विकास में शामिल कीजिए, ताकि मेरे बच्चे भी पढ़े, मुझे भी नौकरी मिले, मैं भी आने वाले टाइम पे अपने बच्चों के लिए, अपने भारत के लिए विकास किया करूं। आज आप किसी मेमोरेंडम सौंपेंगे? हम लोग यहाँ पर मेमोरेंडम दे रहे हैं, वी आर गिवन टू प्राइम मिनिस्टर, वी आर गिवन टू प्राइम मिनिस्टर एंड वी आर ऑल्सो गिवन टू प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सारे कमीशन को, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को, SC ST कमीशन को, हम सारी कमीशन को इसलिए दे रहे हैं ताकि सब जागरूक हो जाएं कि ये हादसे हो रहे हैं, ये घटनाएं घट रहे हैं और उनका लोगों के प्रति क्या दायित्व है। अगर आपकी संज्ञान नहीं लेती है सरकार अपने भी, तो आगे आप क्या करेंगे? सारे अपने अपने तरीके से हम एडवोकेसी के कुछ और तरीके अपनाएंगे, क्योंकि हमने कमीशन के पास जाना है, हमने सरकार के पास जाना है, अपनी मांग रखनी है। और लोगों के ये अलग अलग एक रूप है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, तो हम अलग स्ट्रैटेजी का यहाँ पर एक प्रशंसा भी हो रही है, प्रार्थना भी हो रही है और भाषण भी हो रहे हैं, तो हम अलग से अपनी जो है स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे। इन मुद्दों को आप संवैधानिक रूप में किस रूप में देखते हैं? मैं इनको राइट टू, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, सबको समानता, अगर मैं नागरिक हूँ तो मेरा समानता का अधिकार है। तो कोई भी धर्म का लोग है, SC ST हो, माइनॉरिटी हो, सबको समानता का अधिकार है। एंड ऑल हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो इसमें मेरे जो संविधान मुझे फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, तो कोई भी किसी भी धर्म में मैं श्रद्धा रख सकती हूँ, किसी भी धर्म को अपना सकती हूँ, उस धर्म का प्रचार कर सकती हूँ। तो ये संविधान में मुझे अगर राइट टू फ्रीडम है, तो फिर एंटी कन्वर्शन बिल मेरे लिए उसके खिलाफ है। अगर एक तरफ हमें संविधान फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे रहा है, आई हैव अ राइट टू प्रोफेस, प्रोक्लेम एंड प्रोपोगेट माय रिलीजन, दैट मींस व्हाई सच एंटी कन्वर्शन बिल्स, और वो भी एक धर्म के ऊपर, क्यों? आप खुद समझ लीजिएगा ये क्या साजिश है, कि ये सच्चाई है। और क्या स्टेटिस्टिक्स बता सकती है कि पिछले 20 सालों से क्रिश्चियन समुदाय की जनसंख्या बढ़ी है कि घटी है? ये सेंसस दिखाएंगे, वो बिल्कुल पिक्चर सामने है। मैं वो कन्वर्जन के खिलाफ है, वो फोर्सफुल कन्वर्जन के खिलाफ, फोर्सफुल कन्वर्जन तो कहीं ना कहीं गलत है ना? फोर्सफुल कन्वर्शन आप अपने ही जवाब मत दिए जी, गया मैं, फोर्सफुल कन्वर्शन कहाँ हो रही है, आप केसेस लाके दिखाइए। फोर्सफुल कन्वर्शन कोई किसी को किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करता है। अगर आप धर्म परिवर्तन कहते हैं, फोर्सफुल कन्वर्शन कहते हैं, तो घर वापसी को क्या कहते हो आप? जब आदिवासियों को 12 साल के पहले मैं बोल रही हूँ, उड़ीसा में क्या हुआ, उनको घरों से पकड़ के जो क्रिश्चियन थे, तुम घर वापसी जाओ, हिंदू बनो, ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान है, आदिवासियों का अपना धर्म है, घर वापसी जो है वो कन्वर्शन नहीं है। क्रिश्चियन का आप लेके बोल रहे हैं जी वो कन्वर्शन है, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और कोई जबरन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करता है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, और ये बहुत बड़ी साजिश है जिसे आम लोगों को समझना बहुत ही बहुत जरूरी है। किसी को हम कुछ पिला नहीं सकते हैं, कुछ खिला नहीं सकते हैं, और जबरन जब आप बात कर रहे हो तो एक स्टैटिस्टिक्स देख लीजिएगा, सारे के सारे मिनिस्टर्स
क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़े हुए हैं, आज भी उनके बच्चे क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़े हुए, उनका धर्म परिवर्तन 12 साल से क्यों नहीं हुआ? आज भी क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट के पीछे क्यों जाते हैं? मेडिसिन है, मेरा बच्चा क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ना चाहिए, क्यों? आपको क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट चाहिए, आपको हमारे मेडिसिन चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, लेकिन हमारा धर्म नहीं चाहिए। और क्रिश्चियन कम्युनिटी जो बहुत कम जनसंख्या है हमारा 2 point something, हमारी कंट्रीब्यूशन आप देख लीजिए भारत को बनाने में, शिक्षा में, मेडिकल में, और ये हमारी असलियत है। वी आर ए कम्युनिटी दैट कंट्रीब्यूट टू द वेल बीइंग। विकास का अगर नाम लेते हैं तो उसका दूसरा नाम क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन है। ये सारे पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, आप इनसे जाके पूछ लीजिए आपकी शिक्षा कहाँ हुई, आपके बच्चे कहाँ पढ़े, वो विलायत में चले गए हैं विदेश में, तो किसके स्कूलों में जाके? तो आप ये जो नाटक कर रहे हैं धर्म परिवर्तन का, ये सरासर गलत है, सरासर झूठ है। उसमें कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे, कोई डेटा प्रस्तुत नहीं कर, तो कहीं सुनी बातें जो है उसको फैलाना बंद करें, और आपस में लोगों के बीच में हमें फूट डालनी बंद करनी है, क्योंकि पॉलिटिक्स को और धर्म को कभी भी जोड़ेंगे जब हम, तो उसमें लोगों को हम लड़ाते हैं, लोगों को जोड़ते नहीं। उसमें स्वार्थ किसी का है, लेकिन आम जनता उसमें मारी जाती है। आम ये जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग बैठे हुए हैं, उनकी उनकी जान जाती है, बाकी किसी को कुछ नहीं होता है। तो धर्म परिवर्तन के ऊपर मैं जोर से बोल रही हूँ, बिल्कुल खुले आम कहती हूँ, ये सरासर झूठ है। उसका स्टेटिस्टिक्स दिखाइए, उसका कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में डेटा दिखाइएगा, कहाँ धर्म परिवर्तन फोर्सफुली हुआ है। क्योंकि आप जाके गले से पकड़ लेते हैं लोगों को, क्यों पकड़ते हो, क्यों उनको बंद कर रहे हो, क्यों उनके खिलाफ गलत FIR कर रहे हो? इसको कम विद क्लीन हैंड्स विद डेटा, तथ्यों को उनको मरोड़ मत। आप कोई भी जो आपके पास डेटा है, डेटा के साथ बोलेंगे, लोगों को गलत भारत को जोड़ना है, हमें भारत को समृद्ध बनाना है, विकास की ओर ले जाना है, तो ये सारे तत्व भारत को जोड़ने वाले नहीं है, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने वाले हैं। तो हमारी कम्युनिटी हमेशा भारत को जोड़ने में काम करेगी, लोगों को जोड़ने में, शिक्षा में आगे रहेगी, हमारे हेल्थ में आगे रहेगी, हर एक फील्ड में। हमारे लिए किसी भी क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स में सिर्फ क्रिश्चियन बच्चे नहीं पढ़ते, 90% बच्चे जो हैं, 95-98% हिंदू बच्चे हैं, मुसलमान बच्चे हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। किसी को भी आप पकड़ लीजिए, किसी अफसर को, और पूछ लीजिए क्या आप ईसाई बन गए? नहीं। तो ये सरासर गलत है, और इस झूठ को उजागर करना बहुत जरूरी है। थॉमस मैथ्यू, हमारा डिमांड है, हमारा आज भी क्रिश्चियन लोग हैं जो सता रहे वो हो रहे नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ इंडिया में, जो खास करके छत्तीसगढ़ में और यूपी में बहुत तकलीफ हो रहे है, चर्च वगैरह लोग का तोड़ फोड़ हो रहे है, घर का अंदर भी गाना गाने प्रार्थना करने के लिए प्रॉब्लम हो रहे है, इसलिए हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है आज भी। हम लोग उसमें से आजादी चाहता हूँ, हम लोग किसी धर्म का अगेनिस्ट नहीं है, हमारे एक्चुअली क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है, एक पवित्र मार्ग है, आनंद जीवन पाने का एक मार्ग है, ये कोई क्रिश्चियन के लिए नहीं, पूरा दुनिया के लिए लोगों के लिए, ये क्रिश्चियनिटी यीशु मसीह ने उसने जो बलिदान दिया पूरा मानव जाति के लिए बलिदान दिया है। कई बार नवाब बनाए जाते हैं, नहीं 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 बिल्कुल नहीं है, हम लोग किसी कई गांव में जाके जो सुसमाचार प्रचार करता है वो इसलिए कि जो सब लोग यीशु मसीह को जाने, उनका कल्पना वो चले, ये हमारा परमेश्वर इसलिए उनका बलिदान दिया है कि
सारे संसार का लोग पवित्र आनंद जीवन पाने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस में बलिदान दिया और तीसरा दिन जी उड़ के परमेश्वर का सन्मुख में बैठा है, जो पूरा एक्चुअली पूरा दुनिया को यीशु जो पवित्र पिता परमेश्वर ने कंट्रोल करता है, जो हमारे पवित्र कलाम में लिखा है यीशु पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों अपना अपना जो मिलके उसको त्रुत्व बोलता है, त्रुत्व परमेश्वर, वो परमेश्वर जो पूरा दुनिया को सृष्टि किया, आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया, इसके बाद में जो भूमि में पूरा पानी था पानी को अलग कर दिया और एक एक जगह में संसार बनाया लोगों के लिए रखा गया है। सर आज आप लोग तमाम राज्यों से आए हैं जी, भारत के जी राज्यों से? हम केरला से हैं, लेकिन हम 25 साल से इधर दिल्ली में रहते हैं। हम बदन पूरा नॉर्थ इंडिया से पूरा है, पर केरला के से भी आया हुआ है। गवर्नमेंट से हम लोग का अनुरोध है कि जो सारे लोग मिलजुल के रहे, किसी के ऊपर अत्याचार ना हो जावे, तो सब लोग मिलजुल के रहना चाहता हूँ। जो हम लोग सिर्फ क्रिश्चियन के लिए हम लोग नहीं बोलते, आजकल मुसलमान लोग भी परेशान में है, जो शेड्यूल कास्ट वगैरह वो लोग भी, दलित लोग भी तकलीफ में है, जो भी है तकलीफ में है, उन लोगों के लिए थोड़ा संभाल, जो सब लोग के लिए पूरा दुनिया सब लोग के लिए इक्वालिटी होना चाहिए। अभी छत्तीसगढ़ का जो मुद्दा चल रहा है जिसके लिए आप लोग कह रहे हो, उसके आप लोग, लेकिन मैं दूसरा स्टेज से, लेकिन वो है ना दूसरा स्टेज से है हम, इसलिए उधर भी बहुत रुकावट तकलीफ हो रहे, इसलिए हम लोग सब आज का दिन इधर कटा हुआ है।